वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्री में कैसे पूरा ट्रैवल कर सकते हो पूरे इंडिया में, वो नॉर्थ की तरफ, हम जम्मू की तरफ जाएंगे, कश्मीर की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर इंक्लूड होगा आपका खाना पीना नहाना धोना सब कुछ। क्या ना तो उसमें मेरे से मांगे 100 रुपए भाई, ठीक है। मैंने कहा भाई किस बात के 100 रुपए, 4 किलोमीटर ही तो है, इतना थोड़ी लगता है। तो भाई वो अड़ गया कि भाई, मैंने कहा भाई तू रख अपना ऑटो अपने पास, 4.5 किलोमीटर है, मैं पैदल ही चले जाता हूँ। भाई रात में एक हादसा और हो गया था, ये जो ट्रेन की खिड़की है ना, ये ट्रेन की खिड़की टूट के निकल गई थी। टिकट चेक हो रही हो भाई? चलो जी चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसकी ऑयल की प्राइस है 0, अपने को फ्री में मिला है, ठीक। लड़ाई हो ली भाई, भाई सीट मिल गई अपने को विंडो वाली, ठीक है, और आराम से पसर के जाऊंगा। 500 रुपए ले लेते, 500 रुपए दे दे यार। तो जी पैसे बचाने की से बात हो चुकी है, वैसे मेरा भाई छोटा वाला मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा। तो बजट में ट्रैवलिंग करनी है तो ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। एक बहुत गलत चीज होगी अपने साथ, ठीक है, मेरी टिकट, ठीक है, और ये टिकट अपने को पड़ी है भाई 215 रुपए। बैक टू चैनल एवरीवन। तो भाई इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्री में कैसे पूरा ट्रैवल कर सकते हो पूरे इंडिया में, वो भी हम घर से लेके निकल जाएंगे सिर्फ 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए भाई हम घर से लेके निकलने वाले हैं, वो भी मैं अपने पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी मम्मी से 500 रुपए लेने वाला हूँ, और जो ये मेरा वॉलेट इसको मैं घर पर छोड़ दूंगा, ठीक है। तो निकल जाएंगे हम अपनी इस ट्रिप की शुरुआत करेंगे दिल्ली से और निकल जाएंगे नॉर्थ की तरफ, हम जम्मू की तरफ जाएंगे, कश्मीर की तरफ जाएंगे, देखते हैं। उसके बाद हम पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे, पूरा नॉर्थ से साउथ तक, वेस्ट तक, जो भी ईस्ट तक है, जो भी जाएगा, केरला वेरला सब ट्रैवल करने वाले, पूरा फ्री में। तो इस वाली वीडियो को भर भर के प्यार देना और सीखते रहना कि कैसे कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो फ्री में, इंक्लूड होगा आपका खाना पीना नहाना धोना सब कुछ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई मम्मी बैठे हुए इधर, मम्मी को वॉलेट दे देते हैं। हेलो मम्मी, आज कैसे दिया है वॉलेट? अरे अभी रखो इसको, देखो सीन ये है, व्लॉग में सबको बता रहा हूँ, मैं आपको भी पहली बार बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी, इधर तो देखो मैं जा रहा हूँ वैष्णो देवी, पर चैलेंज ये है कि मैं अपने 1 रुपये भी नहीं लेके जा रहा, ठीक है। पर इस बार वीडियो में थोड़ा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं 500 रुपये ले रहा हूँ मम्मी से मम्मी से 500 रुपए लूंगा मैं, और उसी 500 रुपए में मेरे को पूरी जर्नी करनी है अपनी। 500 में हो जाएगा, 500 में तो नहीं लग रहा होगा मुझे। अरे कोशिश करना, मैं क्या जा रहा है, हमने तो एक्सपेरिमेंट करना है। कम से कम 1500 रुपए लगेंगे, कम से कम। वही तो देखना है कि कम से कम कितने में कर सकते हैं। गाइस आप सभी को पता है मैं लद्दाख गया था भाई, तो बाइक से भी वैष्णो देवी जा रखा हूँ, मैं बस से भी जा रखा हूँ, मैं ट्रेन से भी जा रखा हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ अलग करना है कि भाई मैं कम से कम कितने में जा सकूँ, जा वाली है। तो मम्मी से 500 रुपए ले लेते, 500 रुपए दे दे यार, बटुआ साथ नोट देख लो, ठीक है। 77 अब मैं बटुआ तो यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, अगर होगी इनकेस एमरजेंसी तो फिर UPI का सहारा देखना पड़ेगा, पता नहीं वहाँ पे नेट चलेगा नहीं चलेगा, बट ये 500 रुपए है भाई हमारे पास, और इसी में हमको आना जाना है वापस। तो गाइज ये वाले पैसे हमारे पास, ठीक है, तो इसी 500 रुपए में हमें दिल्ली से वैष्णो देवी जाना है, ठीक है, और दिल्ली वापस जाना है, और इसके बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का और जो भी खाने पीने का खर्चा होगा ना भाई, वो इसी में होगा, और रहने का भी खर्चा इसी में होगा, सब कुछ इसी में होगा। तो मम्मी को तो यकीन नहीं हो रहा है, बाकी देखते प्रसाद वाला लाना है, मना कर दो, मना खर्चे इतना ही पैसा है चलो देखते हैं कितने लगते हैं हमारे पैसे। अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता टिकट कितने की आती है, बुलावा ही है। तो ये गाइस, ठीक है, अब फटाफट हम क्या करते हैं भाई, वो अपनी पैकिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे बैग रखा हुआ, पैकिंग करते हैं जल्दी से। तो गाइस 6 बज चुके, अब निकलते घर से। मैं भी रेडी हो चुका हूँ पूरा का पूरा, बैग वाला ले लिया, छोटा वाला बैग है मेरा, इसमें चार्जर वगैरह मेरा, जहाँ पे भी चार्जर वगैरह मिलेगा पॉइंट वगैरह पे चार्ज कर लेंगे, और अपना रात के 12 बजे का तो नेटवर्क मिलेगा नहीं, वहाँ पे जाके देखेंगे वो सिम वाला मिल गया होगी या फिर सिम वाला, तो वो ले लेंगे, अभी निकलते हैं। तो जी पैसे बचाने की से बात हो चुकी है, वैसे मेरा भाई छोटा वाला मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ देगा, तो अपने रिक्शे के पैसे बच जाएंगे। चल भाई 20 रुपए कवर गिर गया इसका, जाने नहीं देगी, पीछे तो पता नहीं भाई को। तो भाई अगर बजट में ट्रैवलिंग करनी है तो ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। अब ये तो इधर किधर से इसने छोड़ दिया मेरे को, अब जैसे ही मेट्रो में मेरे को छोड़ देगा वहां से पैसे लगने चालू हो जाएंगे, उसका देखते हैं भाई कैसे कैसे करना है, देखते रहो भाई। एक खर्चा मैंने और बचा लिया है,
ये प्रतीक का कार्ड है मेट्रो वाला, मतलब कार्ड ये इस पे स्वाइप हो जाता है, तो इससे मैंने कार्ड ले लिया तो मेट्रो का खर्चा बच जाएगा अपना। चल भाई ठीक है, निकलता हूँ। वो खुल गया भाई, खुल गया, लेकिन इसमें 3600 रुपए थे, लेकिन उसने कहा भी था कि इसमें कमी पैसे हैं, तो चलो बढ़िया है, इधर तो पैसा बच ही गया अपना। बाकी भाई मेरे को एक चीज़ की हैरानी लगी, जब भी मैं ऐसे मेट्रो से चेक इन कराता हूँ ना बैग वाला, तो मेरे को हर बार रोकते हैं कि बैग में मेरा कैमरे वैमरे का सामान पड़ा रहता है, स्टैंड वगैरह पड़े रहते हैं, पर इस बार रोका नहीं मेरे को, पता नहीं क्यों, पर मेरा अच्छा ये टाइम बच गया भाई, उनको खोल के दिखाना पड़ता। बाकी अभी सीन ये है कि यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ के जा रहा हूँ नई दिल्ली, नई दिल्ली तो यहाँ से मुझे जाना नई दिल्ली, और वहाँ पे हमारी ट्रेन है 8:50 की, ठीक है, तो जो मुझे वहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी और वो भी जनरल की लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा 500 का नोट है ना गाइस, वो वहीं पे जाके खुला होने वाला है, मेरे को उसी की चिंता हो रही है भाई कितने की टिकट आएगी। तो मेरे को ये लग रहा है कि ट्रैवलिंग का खर्चा तो भाई एटलीस्ट निकल ही जाए इसके अंदर, बाकी देखते हैं क्या होता है। स्टेशन से कर चुके एग्जिट नई दिल्ली वाले से, अभी जाएंगे अपन रेलवे स्टेशन, फटाफट चलते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया है भाई अपना 8:10 है, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। तो भाई देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपन आ चुके हैं, और ये नया वाला है ना लेओवर बना दिया है, मेट्रो से कनेक्टेड रहता है वहाँ से, ठीक है। फिलहाल भाई अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे खड़ी हुई है, ठीक है, अभी चेंज हो सकता है, ठीक है, स्टेटस वाला जो भी है इसका, बट अभी जाके सबसे पहला काम अपने को ये करना है कि टिकट लेनी है, और मेरा एक ही कंसर्न है भाई कि टिकट मेरे को 100-150 के अंदर मिल जाए तो बहुत ही सही रहेगा, बाकी देखते हैं काउंटर पर जाके कितने की है टिकट। ये रहा भाई प्लेटफॉर्म नंबर 15, इधर से जाना है अपने को। अभी भाई एक बहुत गलत चीज़ होगी अपने साथ, अभी बताता हूँ मैं आपको, टिकट मैंने ले लिया उसी के बारे में एक, ठीक है, और ये टिकट अपने को पड़ी है भाई 215 रुपये, 215 रुपये की टिकट पड़ी है भाई, मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा ही है, मेरे ख्याल से 140-150 रुपये की होनी चाहिए थी, मेरे अंदाजे से ये महंगी है, पर मेरे को अंदाजा भी नहीं था कितने की टिकट पड़ेगी, पर ठीक है 215-500 में से हमारे 215 आप माइनस कर दो, ठीक है, तो बाकी पैसे बच गए हमारे पास। अब सीन ये है कि अब इसमें ही अपने को वापस भी आना है, देखते हैं कैसे करते हैं भाई। अभी ट्रेन का वेट हो रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे भी ट्रेन आई नहीं है, ठीक है, ट्रेन आती है तो सीट घेरते जल्दी से, और भाई सीट मिल गया बड़ी खुशी से, देख सकते हो आस पास सारे बैठ रहे बंदर होगी तरह। पानी की बोतल देना भाई एक। रात के 1:30 बज लिया और डब्बे की ओर मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी है, विंडो वाली सीट मेरे को मिल गई थी, देख सकते हो बाकी भीड़ तो देखो कमी है कंपेरेटिवली, क्योंकि शराब का टाइम लग गया, बाकी देखो अभी थोड़ा एनर्जी डाउन सी लग रही होगी मेरी, ठीक है, बाकी घर से मैं खाना लाया तो मैंने खा लिया, 1:30 बज रहा सुबह इसका, 8 बजे का रीचिंग टाइम है, देखते कितने बजे पहुंच जाती है, वैसे तो टाइम से चल रही है। गुड मॉर्निंग है जी आपका, अभी को जम्मू तभी से, अभी डेट हो चली है 20 तारीख, और रात में आपको मैंने ट्रेन का हाल दिखाई दिया था भाई, ट्रेन मेरे पीछे खड़ी हुई है, तो ट्रेन का हाल कैसा था, सो गया था मैं जैसे तैसे, मतलब ये लगा लो 2 घंटे की नींद लिए, वो भी टूट फूट तरीके से। तो अभी जो फिलहाल प्लान ये है कि 2 घंटे बाद ही अपने को 8 बजे करीब पहुँचा देगी कटरा, और अभी मैंने 10 रुपये की चाय पी थी, अंदर मैं दिखा नहीं पाया लेकिन चाय बहुत ज़्यादा बकवास थी, तो 215 और 10 रुपये, तो ये हो गया हमारे 225 रुपये खर्च हो चुके हैं 500 रुपये में से। अब आगे से यहाँ पर ट्रेन की जर्नी होने वाली है हमारी कटरा तक की, जो कि सीनिक व्यू बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो वो आपको दिखाते हैं एक एक करके, चलते हैं अभी। बाकी भाई ट्रेन यहाँ आके तो खाली हो गई थी। रात में एक हादसा और हो गया था, ये जो ट्रेन की खिड़की है ना, ये ट्रेन की खिड़की टूट के निकल गई थी, तो रात में दिखा नहीं पाया, अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि अंधेरा काफी था। ये तो है हाल जी हमारे रेलवे के। तो
गाइस मैं आ चुका हूँ अभी वैष्णो देवी, ठीक है, जम्मू कटरा, और ट्रेन ने हमको यहाँ पर 8 बजे उतार दिया भाई। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, वेदर मतलब ये कह लो प्लेजेंट ही है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बट वही है कि अब सीन ये है कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ भवन की तरफ, वहाँ पे देखूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे रेस्ट रूम यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे देख लेते हैं। और अभी आपने कुछ व्यू वाला देखे होंगे, बीच में टनल वाला पड़ रही थी, ठीक है, तो वो टनल वाला भाई 17-18 टनल पड़ती है टोटल रस्ते में, और धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भाई। बाकी यहाँ से निकलते हैं, बाकी मेरे 225 रुपये तो लगी चुके हैं, आपको पता ही है, और उसके आगे कितने लगेंगे वो देखने वाली बात है। जान आने के निकल जाए भाई, मैं तो उसी में हूँ कि यही हो जाए 500 में, पर देखते कितने लगते हैं। भीड़ तो तगड़ी हो रही है भाई, पर यहीं से मेरे ख्याल से एग्जिट भी है, और यहीं पे शायद लिखा तो हुआ है वहाँ पे कि यात्रा पर्ची बनती है, बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। टिकट चेक हो रही है भाई, तो भाई स्टेशन के अंदर ही है ना स्लिप बन रही है, तो फटाफट ना बनवाई लेते हैं, एकदम खत्म ही कर देते हैं। तो भाई ये अपना मिल गया, 10 मिनट लगे लेने में, आधार कार्ड दिखाया, मिल गया। और अभी यहाँ से प्लान ये है कि मैं जाऊँगा बाणगंगा, और बाणगंगा पे जाके मैं भाई नहाऊँगा धोऊँगा अपना, ठीक है, वहाँ पर फ्रेश वाला रहेंगे, उस पर खाने पीने का हिसाब देखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ, पर ट्रैक कब स्टार्ट करेंगे। निकलते हैं भाई यहाँ से, अपना राइट लेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, चलते हैं। भाई ऑटो वाला ने अपने को ना गेट पे छोड़ दिया बाणगंगा के, ठीक है। और इनको भाई एक बहुत बड़ा स्कैम बताता हूँ ऑटो वाले, लाइक मैं इससे बात करी, ठीक है, तो इसने मेरे को बोला कि प्राइवेट में जाऊँगा तो 200 रुपये लूँगा एक सवारी, मैंने कहा भाई 200 रुपये बहुत ज़्यादा, मैं शेयरिंग में जाऊँगा तो कहा था 150 दे देगा, मैंने कहा भाई मैं पहली बार नहीं आया, पहले भी आ रहा था, ठीक है, तो मुझे पता है 4.5 किलोमीटर के कितने नहीं लगते भाई, ठीक है। तो भाई बहुत मत्था मारने के बाद ना इसके साथ, मतलब मैंने 5-10 मिनट इससे बात करी होगी, वैसे इतना करता नहीं मैं, पर भाई मेरा कॉन्टेंट ही यही है, मुझे सस्ते में जाना है, तो भाई ले दे के इसको मैंने 50 में बनाया शेयरिंग में, 4 सवारी मेरे साथ और बिछाई इसने, तब ये मेरे साथ आया भाई शेयरिंग में। आगे आगे भाई मैं तो निकल के आ गया जल्दी से, ठीक है, एक हफ्ता से रिक्वेस्ट कर ली हमने, उन्होंने मेरे को आगे लगा लिया और मैं निकल के आ गया। बाकी अंदर भी भीड़ है ये थोड़ी, बाकी अभी बाणगंगा की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे नहाते धोते हैं फिर खाने पीने का देखेंगे भाई। तो भाई ये है बाणगंगा, ये जो अपना तुलसी भोजनालय लिखा होगा ना उसके लेफ्ट लेते ही है, ठीक है, और सारे बंदे नहाने लग रहे हैं, और बढ़िया है, चलो देखते हैं, ज़्यादा ठंडा ना हो पानी, मैं अभी नहाऊँगा, फ्रेश फ्रेश होते हैं अपना गाइस, यहाँ पे फ्रेश वाला होते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से निकलेंगे चढ़ाई के लिए, और कुछ खाएंगे पहले, उससे पहले नहा लेते हैं। तो भाई नहा धो के अपना हो गया सिस्टम सेट, बट भाई थोड़ा सा ना, मैं ये नहीं कह रहा जगह की बुराई कर रहा हूँ, जगह मेरे को भाई सारी पसंद आती है, मैं किसी जगह की बुराई करने नहीं चाहता क्योंकि मेरी भी जगह है वो इतनी, बट बात है ना कि व्यवस्थाओं की थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा साफ सफाई पर दिक्कत ध्यान दिया जाए तो काम हो जाएगा, बट ठीक है। बाकी तो अब मैंने नहा लिया है, अब फिलहाल प्लान ये है कि मैं कुछ खाने का ढूंढूंगा, खाने का देखते क्या हिसाब किताब है, देखते कोई ढाबे वारा पे बैठते खाते पीते। तो भाई एक रेस्टोरेंट में आके बैठ चुके हैं, ठीक है, और ये रहा मेन्यू, और इसमें मैंने मंगा लिया भाई ये मिनी वाली थाली 130 की है, बाकी पहले ये खाते हैं, अगर मन करेगा तो फिर देखेंगे, कढ़ाई पनीर भी है, राजमा भी है, पहले ये खाते हैं फिर मन करेगा तो खाएंगे। भाई ये आ गया अपना खाना, और इसमें है 1, 2, 3, 4 रोटी है, राजमा चावल है, और अपनी आलू की सब्जी है, ये भी राजमा ही है, और ये एक दाल है अपनी 130 में। देखो भाई इनका रहता है 24 घंटे, ठीक है, आप वो भी खा सकते हो, पर मुझे कुछ ज़्यादा ही लगी हुई थी इसलिए मैंने ये ले लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये वाला खाना अपना इन्जॉय करते हैं, फिर अपन ट्रैक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी खा के हो गया डन, ठीक है, और 130 रुपये की हमको थाली पड़ी, और अभी तक मेरा जो खर्चा हुआ है 215 की टिकट, 10 रुपये चाय के, और 50 रुपये मैंने ऑटो वाले को दिए, ये 130 हो गए खाने के, ठीक है। अब
सीन ये है कि खाने का अलग रखो तो जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है ना वो तो 500 के अंदर आएगा, बाकी अगर जाने आने में थोड़ा और ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है, फिर पता नहीं क्या करेंगे। बाकी अभी चलते हैं, अपन ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और नंगे पैर ही कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है वैष्णो देवी में नंगे पैर कर रहा हूँ, और ये लाइक मेरा 5वीं 6वीं बार है वैष्णो देवी करना, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं नंगे पैर कर रहा हूँ। बाकी देखो अभी टाइम हो रखा है